Hi guys, welcome or welcome back to my channel. My name is Ambika and I post lifestyle, fashion and beauty content. So as you've already read from the title, what this video is going to be about, of course, a makeup video. So today I'm gonna show you how I do my go-to makeup. अगर मुझे ऐसा हो ना कि मुझे बाहर डेली जाना है तो आई विल डू दैट मेकअप एवरी डे बिकॉज एक तो वो 5 मिनट में हो जाता है और बहुत ईजी स्टेप्स है टू फॉलो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. So the first step that I follow is my regular cream to moisturize my face ताकि मैं उसके आगे के steps कर सकूँ. So the next step that I follow is another moisturizer because you know जितना moisturize करो उतना अच्छा है and this is from Lipids. ये मुझे एक PR में आया था and it is so good. It is a non-sponsored video. So yeah, let's do it. करा जाए makeup करा जाए थोड़ा सा. I don't know where to put my mirror but चल रहा है बस काम. बिना mirror के ही आज करना पड़ेगा सब कुछ. बढ़िया से यू हैव टू मॉइस्चराइज फर्स्ट बहुत ही अच्छे से बिकॉज एक तो सर्दियाँ हैं और या बिकॉज अभी सर्दियाँ हैं. बट ऐसा नहीं है कि गर्मियों में यू डू नॉट नीड द मॉइस्चराइजेशन. गर्मियों में भी ऑफकोर्स यू नीड द मॉइस्चराइजेशन बट सर्दियों में थोड़ा सा ज़्यादा लगता है. गेटिंग माई पॉइंट. सो या आई एम डन विद द मॉइस्चराइजेशन. सो द नेक्स्ट स्टेप दैट आई फॉलो इज आई लैश कर्लर. मैं बहुत मिनिमल सा मेकअप करके दिखाऊंगी बिकॉज यही मैं डेली अगर मेरे को बाहर जाना है तो आई डू दिस यूजअली. बाहर आउटडोर शूट्स है तो आई विल यू नो इसमें मैं सिर्फ दो चीज़ें ऐड करूंगी. एक बेबी क्रीम वो भी मॉइस्चराइजर के साथ मिक्स करके और दूसरी चीज़ सनस्क्रीन. दैट्स इट. अगर मैं बाहर जा रही हूँ तो दीज टू थिंग्स आर दी ओनली थिंग्स जो मैं ऐड करती हूँ अपने मेकअप में जो मैं इसमें नहीं दिखाऊंगी बिकॉज ऑफ कोर्स इट इज़ अ गो टू मेकअप. रिमेंबर. So let's curl my eyelashes. Struggle is real. Oh, the lift, honey. It looks so good. So the next step that I follow is mascara because of course eyelash ko lift dena is not enough. We have to finish it with mascara. Mascara, I don't know कितना पुराना है. ये मैंने मेले में लिया था. I think 20 रुपए का और ये अभी तक चल रहा है because starting में initial days में जब ये लिया था ना तब तो we didn't even use it but अभी ये बहुत यूज आ रहा है. I don't know if I see a difference but I think I see a difference at the same time. Yeah, थोड़ा तो difference हुआ है. Mascara with mascara and without mascara थोड़ा तो difference है. okay. एक तो मेरा mirror पता है कौन सा है. इसके पीछे drawing की book होती थी ना हमारी उसका गत्ता है तो literally मैं अपना mirror भी नहीं दिखा सकती हूँ कैमरे में. वी आर डन. अच्छा ही हुआ है. लेट्स प्रोसीड आगे का प्रोसीजर. तो द नेक्स्ट स्टेप दैट आई फॉलो इज ब्लश बिकॉज ऑफ कोर्स थोड़ा तो ब्लश बनता है ना यार. तो ये दिस पैलेट इज फ्रॉम लवर्थ और ये मतलब ना कैसे बताऊँ इसका टेक्सचर अलग है. इट्स नॉट अ रेगुलर ब्लश क्योंकि ये 3-in-1 है. ये लिपस्टिक की तरह भी यूज़ हो सकता है और ये आई शेडो की तरह भी यूज़ हो सकता है. तो या इट ऑल्सो केम इन अ PR बट इट इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड. ओके. तो बहुत ही थोड़ा सा ब्लश या आई थिंक थोड़ा ज़्यादा हो गया है थोड़ा सा करने के चक्कर में. बट इसकी पिगमेंटेशन इज़ रियली गुड. ये जल्दी से ख़त्म नहीं होने वाला है. आई एम श्योर ऑफ इट. तो अब हम इसको वो कर लेते हैं ब्लेंड. वैसे मेरा कभी ब्लेंड हुआ नहीं है ब्लश अच्छे से. बस मैं कर लेती हूँ कुछ. मतलब अगर जब ना ये ब्लश ना इससे नहीं होता है ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड नहीं होता है तो मैं क्या करती हूँ मैं अपनी उंगलियों से सारा ऐसे मॉइस्चराइजर के साथ सब कर डालती हूँ. फिर मतलब ये हो जाता है अच्छे से. फिर ये ज़्यादा नहीं लगता है और ये अच्छे से ब्लेंड भी हो जाता है. मेरी इतनी टेक्निक्स अच्छी नहीं है अभी ब्लेंडर से तो अभी ये हो नहीं रहा है मेरे से. तो मैं अभी इसका हैक मेरे पास है. आई डोंट थिंक इट्स अ हैक. सभी ऐसा करते हैं. आई एम नो स्पेशल but I am special. yeah, देखा same ही है. ये beauty blender वाली side है और ये मेरी fingers की side है and it's the same. मुझे बस थोड़ा सा fix करना होगा दोनों side को. बाकी सब ठीक है. यार गायब हो गया blush मेरा तो. but anyways आगे बढ़ते हैं. so the next and the last step is lipstick. तो आई एम कन्फ्यूज अभी मुझे कौन सी लिपस्टिक लगानी चाहिए. एक तो दिस इज़ माई करंट फेवरेट फ्रॉम पिलग्रिम. आई डोंट नो इफ आई शुड वेयर दिस बट जैसे कि मेरा कार्डिगन रेड है बट आई एम नॉट गोइंग आउट. इट्स जस्ट अ मेकअप वीडियो बट आई शुड मैच विद माई आउटफिट श्योर. तो आई एम गोना वेयर समथिंग यू नो रेड. लिपस्टिक अंदर रहेगी तो दिस इज़ माई रेड लिपस्टिक. तो ये ज़्यादा रेड है मेरे लिए. आई डोंट नो ज़्यादा रेड है बट मतलब बस है कुछ सीन. ठीक है तो आई मिक्स इट अप विद दिस
दिस शेड, ये अच्छा शेड है, आई डोंट नो ये पापा लाए थे शायद, तो आई मिक्स दीज टू शेड्स टुगेदर और बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा शेड बाहर निकल के आता है जो मैं डेली बेसिस पर भी यू नो आई गो आउट वेयरिंग दैट ओनली. सो या लेट्स प्रोसीड विद दैट. मैं आज प्रोसीड बहुत बोल रही हूँ, बन रही हूँ मैं बहुत अपने आप को आज. ओ ठंडी बड़ी है यार लिपस्टिक बिल्कुल ही, मैंने काफ़ी दिनों से यूज़ नहीं करी ना शायद. दोनों लिपस्टिक ठंडी ठंडी पड़ी है यार बिल्कुल. और ना हाउ आई टॉक टू मच मेकअप करते हुए बिकॉज ये भी एक स्किल है, ये भी एक कला है मेरे दोस्तों. ठीक है ना, ठीक है. सो या हो गया, आई एम सो डन. देखा 5 मिनट भी नहीं लगा इस मेकअप को करने में. सो आई एम सो डन. मुझे देखने तो मिरर में मैं अच्छी लग रही कि नहीं, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है. सो आई थिंक दिस इज इट फॉर टुडे एंड दिस इज द फाइनल लुक. दिस इज द मेकअप दैट आई डिड. अच्छा से देख लो, मैं मुंह बंद करती हूँ थोड़ा. आई थिंक आई डिड अ ग्रेट जॉब. सो आई थिंक दिस इज इट फॉर टुडे एंड लाइक एंड सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय बाय.